झांसी के ग्राम सिजारी बुजुर्ग में किसानों ने विशाल किसान पंचायत का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2022 के पहले दिन भी किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई, बल्कि खेतों की लागत दोगुनी जरूर हो गई है। प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में आज जनपद झांसी के ग्राम सिजारी बुजुर्ग में विशाल किसान पंचायत का आयोजन हुआ है, जिसमें समस्याओं को लेकर किसान खूब गर्ज और जिम्मेदार हो खरी खोटी सुनाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। पंचायत में प्रमुख रूप से विगत दिनों पहले पीडब्ल्यूडी विभाग ने गांव के बीच से रोड बनाया था। रोड तो बन गया, लेकिन रोड के दोनों साइड में आज तक नालियां नहीं बनी है, जिससे पूरा पानी किसानों के घरों में घुस रहा है। पूरे गांव में गंदगी का अंबार है। गांव में गौशाला ना होने से किसान अपने खेतों में बोई हुई रबी की फसल को बचाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। किसानों ने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि विगत माह पूर्व खरीफ फसल संपूर्ण रूप से नष्ट हुई थी, जिसका अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। वहीं किसान मनोज पाठक ने बताया कि भाजपा सरकार ने 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन आज 2022 का पहला दिन है। इस बीच में किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई, बल्कि खेतों की लागत दोगुनी जरूर हो गई है। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार ने पंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड का किसान आज अन्ना जानवरों से परेशान है। 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा करने वाली सरकार ने आज खेतों की लागत दोगुनी कर दी है। पंचायत में प्रमुख रूप से हरीश चंद्र मिश्रा, देशराज सिंह सेंगर, मनोज पाठक, शैलेंद्र सिंह, लाखन सिंह, संतोष कल्याण सिंह सेंगर, राम कुमार नापेत, भगवत सेठ आदि सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि जो पानी बरसात का पानी गाँव से नहीं निकलता है। नाली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो मतलब पीडब्ल्यूडी वाहन ने रोड बना दिया, लेकिन नाली आज तक नहीं बनाई है, जिससे मतलब हर गली में गंदा पानी भरा रहता है। सबसे बड़ी तो ये समस्या है। इस समस्या को देखते हुए पंचायत बुलाई गई है, और दूसरी पंचायत मतलब समस्या है अन्ना जानवर की, जो छट्टा फिर रहे हैं रोजाना, और आए दिन कुछ ना कुछ हादसा होता रहता है। कहीं किसान मतलब रोड पर फिरते हैं, इन किसानों की फसल चट कर जाते हैं। समस्या ये है, यहाँ सब जानवर ना फिरते हैं, किसान परेशान हैं, रात में भी दिन में भी और रोड पर भी फिरते हैं। जनपद झांसी का ये गांव सिजारी बुजुर्ग है, जहाँ पर भाजपा सरकार ने कहा था, वादा किया था कि हम किसानों की आमदनी 2022 में दुगनी करेंगे। आज 2022 का पहला दिन है, नया वर्ष का पहला दिन है, तो आज यहाँ पर किसान कांग्रेस की पंचायत लगाई गई है। तो किसानों ने पंचायत में बताया कि साहब आमदनी का कोई अता पता नहीं है, लेकिन खेती की लागत जरूर दोगुनी हो गई है। आज कमर तोड़ महंगाई से किसान बेहाल है। डीजल पेट्रोल गैस रोजमर्रा की प्रयोग में आने वाली वस्तुओं का दाम सातवें आसमान पर है। किसानों की उपज के दाम नहीं बढ़े। सरकार भले दावा करे कि 2022 में आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन ये दावा उनका टोटल हवा हवाई साबित हुआ है। आज गांव में पंचायत लगी है सिजारी बुजुर्ग में। यहाँ का किसान बीमा क्लेम के लिए परेशान है, तहसील कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाकर थक चुका, बीमा क्लेम नहीं मिला। विगत महापूर खरीफ की फसल नष्ट हुई थी, उसका मुआवजा नहीं दिया गया। विद्युत कटौती बहुत भयंकर हो रही है, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। अन्ना जानवरों के लिए गौशाला नहीं बनी आज तक, और यहाँ पीडब्ल्यूडी ने रोड गांव के बीच से तो बना दिया, लेकिन अगल बगल में नालियां नहीं बनाई। नालियों का पानी जाके लोगों के किसानों के घरों में घुस रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता के चलते आज यहाँ बुंदेलखंड का किसान परेशान है। इस हाड़ गलाऊ ठंड में किसान रात दिन खेतों में झोपड़ी बनाकर फसलों की रखवाली कर रहा है, फिर भी अपनी फसल नहीं बचा पा रहा है। ये बदहाली है उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड की। अगर किसानों की समस्याओं को निराकरण नहीं होता, तो आने वाले दिनों में किसान कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी, जरूरत पड़ेगी तो चक्का जाम करेगी। जय जवान जय किसान। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।